इस शादी को अपनी नियति ही मान लो। इस शादी के बाद तुम्हें नई जिंदगी मिलेगी, तुम उसमें ही अपना सुख खोजना। इसमें कोई शक नहीं है कि रोहित रस्तोगी के घर में तुम्हें हर सुख मिलेगा। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। न जाने अभी मुझे किन किन परीक्षाओं से गुजरना होगा। बिना मुश्किलों के जीवन नहीं होता, भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हारा भला जरूर करेंगे। वाह, एक माँ को दुल्हन बनाने की तैयारी की जाएगी, उसे सुहाग का जोड़ा पहनाया जाएगा, ये अपने आप में कितना बड़ा मजाक है आंटी। देखो कुंती, अब अपने दिल में ऐसी कोई बात पैदा मत करो, जो हो रहा है उसे हो जाने दो, इसी में हम सबकी खुशी और तुम्हारी भलाई है बेटी। अब जो हो रहा है उसे रोका तो नहीं जा सकता आंटी, लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं ऐसा करके मैं अपने बेटे को धोखा तो नहीं दे रही हूँ। नहीं कुंती, इसमें धोखा देने जैसी कोई बात नहीं है। करण कोई अकेला बेसहारा तो नहीं है। जिन लोगों के पास वो है वो लोग उसका पूरा ख्याल रखते होंगे ना। क्यों नहीं, वो लोग करण को अपना बेटा मानकर गोद लेकर गए हैं, करण का अच्छी तरह ख्याल रखते होंगे वो लोग। तुम उसकी चिंता मत करो कुंती। अब मुझे कई हिस्सों में बंटकर जीना होगा आंटी। एक तरफ कर्ण की मां तो दूसरी तरफ किसी की पत्नी। इस शादी के फैसले ने तो मेरे टुकड़े कर दिए आंटी, टुकड़े कर दिए। कुंती, कुंती अपने आप को संभालो, ये वक्त तुम्हारी कमजोरी का नहीं बल्कि पूरी मजबूती से स्थिति का सामना करने का है। करण का मुंह ऐसे में तुम्हें शादी के फैसले के खिलाफ ना कर दे बेटी। इस फैसले के खिलाफ जाने की अब कोई सूरत नहीं रही आंटी। मुझे तो भाग के चले गए, लेकिन मेरे पास भाग कर जाने के लिए कोई जगह नहीं। अब तुम्हें एक बेटी एक पत्नी का धर्म निभाने के लिए तैयार होना होगा। ये धर्म है या अधर्म ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इसे निभाऊंगी। मेरी बच्ची, मैं तुझसे यही सुनना चाहती थी, भगवान तुझे हर खुशी दे मेरी बच्ची। ऑफिस नहीं गए, क्या सोच रहे हो बैठे? जाऊं। तो फिर जाओ ना, बैठे सोच क्या रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं कि जो कुछ भी ये हो रहा है क्या ये ठीक है? अगर ये सब ठीक नहीं होता तो होता है क्यों? हमारे फैसले के साथ साथ कुदरत का भी यही फैसला है, और हम चाहते हैं कि तुम्हें भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार लेना चाहिए। नहीं, ये सब आपकी वजह से, ना ही आप कुंती से मेरी शादी करने की जिद करती और ना ही हिम्मत को इस तरह शहर छोड़कर जाना। रोहित, अब ये सिर्फ हमारी जिद नहीं रह गई है, स्वामी जी का भी यही फैसला है और सारी बातें उनके सामने हुई हैं। स्वामी जी का फैसला हिम्मत के हित में था, स्वामी जी चाहते थे कुंती और हिम्मत की शादी। लेकिन हिम्मत अब है कहां, और जो रहा नहीं उसका जिक्र क्यों?
मां जब हिम्मत था तब भी आपने उसकी भावना और इच्छा की कहां परवाह की? आपने किस तरह से हिम्मत का अपमान किया है ये बात मैं भूला नहीं। रोहित, तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम छोटी छोटी बातें और छोटे लोगों को याद रखते हो। बेटा, तुम्हें अपनी रेपुटेशन, अपने मान मर्यादा सबका ध्यान रखना चाहिए। अरे, ऐसे छोटे लोगों को याद रखना तुम्हें शोभा देता है क्या? माँ आपको क्या ये शोभा देता है कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी तबाह हो जाए? रोहित, हम तुमसे किसी तरह की बहस नहीं करना चाहते। जिस तरह से तुम जिंदगी जीते हो ना, उस हिसाब से जिंदगी नहीं जी जा सकती। हमने ये मान मर्यादा इज्जत पैसा सब अपनी मेहनत से हासिल किया है, और उस मान मर्यादा और इज्जत को देखते हुए कोई तीसरा अपने आप को तबाह कर ले तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वैसे हिम्मत के इस तरह चले जाने से आप तो बहुत खुश हो। देखो रोहित, हमारे लिए खुशी की बात कुंति के साथ तुम्हारी शादी में। अब कौन आता है कौन जाता है हम इसकी परवाह नहीं करते। क्यों? आपके रास्ते का कांटा तो दूर हो। वो तो दूर होना ही था, लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, हमने जो सोचा था हिम्मत उससे कहीं ज्यादा समझदार है। लेकिन आप हमारी नजर में ना समझ, आपको क्या लगता है कि आप दूसरों की खुशियां उजाड़ कर आपको खुशी मिलती है? इस वक्त हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी कुंती में है और वो हमें मिल गई है। अब तो वक्त उसे बाजे गाजे के साथ अपने घर ले आने का है। तुम भी शादी की तैयारियां शुरू करो। अरे हाँ, याद आया, हमने उसे शॉपिंग के लिए बुलवाया है। हो सकता है वो तुम्हारे पास ऑफिस में आ जाए। उसे लेकर घर आ जाना। तुझे क्या लगा मैं कोई और हूं? नहीं, तेरा ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा ना, इसलिए जरा हैरानी हो रही है। जिंदगी जीने के लिए नए-नए रूप बदलने पड़ते हैं, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? लेकिन अचानक इतना बदलाव, ये कैसे प्रभा? ये बदलाव मेरे काम का है। क्योंकि मैंने तुझे बताया तो था कि मुझे एक ऑफिस में नौकरी मिल गई है, अब मुझे मेरे अब काम के हिसाब से ही तो चलना होगा। ये कैसा हिसाब है जिसने तुझसे तेरी पहचान ही छीन ली? कुंती, तूने इस आश्रम में मुझे हमेशा सफेद साड़ी में देखा है। अब यहां से निकलने के बाद इस साड़ी से तो छुटकारा मिलना ही था ना। लेकिन तेरे ये कपड़े सस्ते नजर नहीं आते हैं। नौकरी से तुझे कितनी तनख्वाह मिलती है? 2500 रुपया महीना। 2500 रुपये महीने में इतना सब कुछ? और तूने मुझे बताया था कि तूने रहने के लिए कमरा भी किराए पर लिया हुआ है। 2500 रुपये में इतना सब कुछ संभव हो पाता है? तू सच कहती है, 2500 रुपया महीना इतने बड़े शहर के खर्चे के आगे कुछ नहीं होता। तो फिर ये कपड़े मेरे ऑफिस के बॉस ने मुझे दिए हैं। क्या? हाँ, और ये देख, ये घड़ी भी उन्होंने मुझे दी है। बेचारे बहुत अच्छे हैं, मुझ पर बहुत मेहरबान रहते हैं। बेचारे अक्सर मुझे कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। और तू बेझिझक उनकी लाई चीजों को स्वीकार कर लेती है? तो क्या मैं इनकार कर दूंगी? अब कुंती कोई प्यार से इतना गिफ्ट दे तो उसको मना करना अच्छी बात थोड़ा ना है। लेकिन प्रभा, वो तेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? उनका मकसद क्या है ये जानने की कोशिश की तूने?
गलत है कुंती, मैं इन सब पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। इसके पीछे उसका क्या मकसद है ये तो वही जाने, लेकिन हाँ उसने आज तक मुझे ये जताने की कोशिश नहीं की कि इसके बदले में मुझसे उसे कुछ चाहिए। लेकिन प्रभा तू एक लड़की है, कोई तुझ पर इतनी मेहरबानी करे तो तुझे सबसे पहले उसकी नीयत पर शक करना चाहिए। नीयत? वो क्या होती है कुंती, इस दुनिया में जब एक लड़की अकेली होती है ना तो उसे हर मर्द की शिकारी निगाहों से गुजरना पड़ता है। यानी कि तू जानती है कि वो तुझसे क्या चाहता है? पता है, और मैं इससे बच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ प्रभा कि इस दुनिया में एक अकेली लड़की को पाकर हर कोई उसे अपने जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन तू समझदार है, तुझे इससे बचना चाहिए। ये सब कहने की बातें हैं कुंती, खुद को बचाया होता तो जिंदगी की आज की हालत नहीं होती। जिंदगी में मजबूर होकर कई समझौते करने पड़ते हैं। मैं नहीं मानती, भगवान ना करे। लेकिन छोड़ इन बातों को, तू भी कौन सी बात लेकर बैठ गई, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अच्छा मैं ये पूछने आई थी कि ये खबर कितनी सच्ची है। कौन सी खबर? मैं स्वामी जी के आश्रम गई थी, वहां पता चला कि हिम्मत जी बिना किसी को बताए कहीं गायब हो गए हैं। हाँ स्वामी जी मेरे शादी का फैसला सुनाने ही वाले थे कि हिम्मत जी के भाई ने आकर ये बताया। क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरी खातिर, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी खातिर इन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन वो गए कहाँ होंगे? इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है, बस सब लोग मेरी शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। हिम्मत जी को बहुत चोट पहुंची होगी ना कुंती, मुझे तो लगता है कि उन्होंने सिर्फ तेरी वजह से ऐसा किया होगा, उन्होंने सिर्फ तेरा रास्ता साफ किया है। लेकिन उन्हें कम से कम अपने भैया भाभी के बारे में सोचना चाहिए था प्रभा, किसी एक की खातिर इतना बड़ा फैसला ले लेना ये महज कमजोरी है। नहीं कुंती, ये हिम्मत जी की कमजोरी नहीं है, ये उनका बड़प्पन है, उन्होंने तुझे किसी दुविधा में नहीं डाला। ऐसे लोग दुनिया में होते कहाँ हैं, आजकल कौन इतना बड़ा त्याग करता है? वो त्याग कर रहे हैं और मैं शादी करने जा रही हूं। कुंती ये सब तकदीर का खेल है और तू बड़ी तकदीर वाली है जो तुझे इतने बड़े घर का रिश्ता मिला है, वरना इतने बड़े घर का रिश्ता हर किसी के नसीब में कहाँ होता है। शायद यही सोचकर हिम्मत जी ने तुझे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। प्रभा अब जो भी हो लेकिन मैंने खुद को शादी के लिए तैयार कर लिया है। कुंती तुम्हें मिसेस रसूखी के घर जाना है ना? अरे प्रभा। सरला दीदी नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? जी सरला दीदी बस जी रही हूँ। और तुम्हारा कामकाज? तुम नौकरी तो कर रही हो ना? सरला दीदी बिना नौकरी किए गुजारा कैसे होगा? खूब मन लगा के काम करना। हाँ जी सरला दीदी। कुंती तुम तैयार नहीं हुई, बोलो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सरला दीदी मैं जाने के लिए तैयार ही हो रही थी कि तभी प्रभा आ गई, तो मैं इससे बात करने लगी, बस मैं जा ही रही हूँ। ऐसी जाओगी फिर कैसे? शादी के कपड़े गहने पसंद करने जा रही हूँ तो ये सफेद साड़ी पहन के जाओगी? ये साड़ी उतार कर इसे पहन। हाँ ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। लेकिन सरला दीदी इस सफेद साड़ी में बुराई क्या है? ये शुभ नहीं है, चलो जल्दी से कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ। नहीं मैं ये सफेद साड़ी पहन के ही वहां जाऊंगी। बेकार की जिद क्यों कर रही हो कुंती? हाँ कुंती, ये साड़ी बदलने में तुम्हें एतराज क्यों है? एतराज की बात नहीं है प्रभा, लेकिन जब तक मैं इस आश्रम में रह रही हूँ मेरा पहनावा यही रहेगा, मैं यही पहन के वहां जाऊंगी। कुंती तुम कभी मेरी बात मानोगी या नहीं? इसे पहन कर जाओगी तो वो लोग क्या सोचेंगे? सरला दीदी उन्हें जो कुछ भी सोचना है सोचने दीजिए, लेकिन जब तक मैं इस आश्रम में हूँ मेरा पहनावा नहीं बदलेगा। कुंती तुझे ये आश्रम और अपनी गुजरी जिंदगी को भुलाकर खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी में लग जाना चाहिए।
मैं ना तो कभी इस आश्रम को भूल सकती हूँ और ना ही अपनी गुजरी जिंदगी। कुंती तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? देखो अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो गई है, प्रभा का भी ठिकाना हो गया है, अब तुम्हें सिर्फ अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ कुंती, सरला दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तक तुम अपने बेटे के लिए परेशान रही जबकि मेरी बेटी भी तो स्वीडन में है, वहां उन्हें बहुत अच्छी परवरिश मिल रही है, अब सिर्फ तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। कुंती, तुम्हें अपने मन से और अपनी इच्छा से खुशी खुशी रस्तोगी साहब के घर जाना चाहिए। अब अगर तुम्हें हमारी बातें समझ में आ गई हो तो ये साड़ी पहन। नहीं सरला, ये सफेद साड़ी मेरी वर्तमान जिंदगी की पहचान है और मेरे लिए अपनी पहचान को मिटा पाना एक आसान है। सर पुष्पा प्लीज, आज ऑफिस का कोई भी काम मेरे सामने लेकर मत आओ, मैं काम करने के मूड में नहीं। नहीं सर, मैं आज ऑफिस के काम से यहाँ नहीं आई। तो फिर किस लिए आई? सर मैं यहाँ पर आपको ये बताने आई हूँ, कुंती आई है और वो आपसे मिलना चाहती है, आप कहिए तो मैं उसे यहाँ भेज दूँ। कुंती मुझसे मिलने आई? अच्छा तुम उसे जाकर ले आओ। ओके सर। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग बैठकर बात कीजिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। नहीं रुको पुष्पा, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें मालूम ना हो, अभी सिर्फ फैसला हुआ है, शादी नहीं। कुंती मैं जानता हूँ कि आश्रम में उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे तुम खुश नहीं हो। जब मेरी जिंदगी ही मेरी अपनी नहीं रही तो मेरी जिंदगी की खुशियां मेरी कहां से हो सकती हैं?